दतिया जिला शिक्षा अधिकारी उदित नारायण मिश्रा के द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा के नाम पर छात्रों से मनमानी रकम वसूलने की भनक जब मीडिया को लगी तो की गई प्रारंभिक पड़ताल। आपको बता दें कि दतिया जिले में कक्षा 9 से 12वीं तक के तकरीबन 122 विद्यालय हैं, तो वहीं अवैध वसूली की अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि जिला शिवपुरी से प्रति छात्र 30 रुपए और ग्वालियर में अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर मुद्रण की राशि प्रति छात्र 20 रुपए मात्र की दर से लिए जाने की प्रमाणित जानकारी मिली। दतिया जिला शिक्षा अधिकारी का यह प्रति छात्र 80 रुपए लिए जाने का कारनामा जब मीडिया के सामने आया तो स्कूल में पढ़ने वाले उन तमाम छात्र छात्राओं से बात की जिन्होंने अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 80 रुपए अपने स्कूल में जमा करने की बात कही। तो वहीं दतिया सिविल लाइन हाई स्कूल की प्राचार्य अनीता शर्मा से जानकारी ली तो वह पूरे मामले में गोलमाल जवाब देते हुए यह पूरा मामला जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के आदेश के पालन में होना स्वीकार किया। बहरहाल दतिया जिला शिक्षा अधिकारी उदित नारायण मिश्रा का यह कारनामा बड़ी जांच का मोहताज है। अगर इस मामले में गंभीरता से जांच हुई तो भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आएगा। आपको बता दें कि जब मामला दतिया कलेक्टर संजय कुमार के पास मीडिया के द्वारा पहुंचा तो उन्होंने इस पूरे मामले में अनभिज्ञता जताते हुए जांच के बाद कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। देखिए दतिया से रजनी लिटोरिया की खास रिपोर्ट। विवेक, विवेक आपने जो परीक्षा आने वाली है कब से है आपकी परीक्षा? 29 से। तो आपने कितनी फीस जमा करी है? 80 रुपए। 80 करी है? अच्छा, कब करी है आपने 80 रुपए? कल करी। ओके, थैंक यू। हम शायद अर्धवार जी, अच्छा 10 हमने अर्धवार के पेपर में 80 रुपए फीस जमा की। अच्छा, कब है परीक्षा आपकी? परीक्षा 29 फरवरी से स्टार्ट है। तो ये आपने कब करी है फीस जमा? हमने अभी कर। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? मैं शासकीय हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। शासकीय हाई स्कूल। अच्छा, ये अर्ध वार्षिक जो परीक्षा होनी है आपकी 29 तारीख से, इसमें आपने कितनी फीस दी है? 80 रुपए दी। हाँ। कितने में पढ़ती हो आप? 10th में। आप कितने में पढ़ते हो बेटा? 10th। आप भी 10th में पढ़ते हो? हाँ। अच्छा, तो आपने कितने दिए हैं पैसे? मैं 80 रुपए। ये कब दिए हैं आपने 80 रुपए? परसों दिए। परसों दिए। आपने कब दिए थे? हमने भी परसों दिए थे। आपका नाम क्या है? आराधना परिहार। आराधना परिहार, थैंक यू। आपका क्या है नाम? शिवा गुप्ता। शिवा गुप्ता, थैंक यू। मैम, एक आदेश निकला था शिक्षा अधिकारी के द्वारा कि अर्धवार्षिक की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें फीस 80 रुपए ली गई है। आदेश हुआ था, लेकिन फिर तत्काल प्रभाव से उसको बाद में निरस्त करने के भी आदेश आ गए थे कि अब ये शुल्क जमा नहीं करना है, केवल वार्षिक का जो हमेशा से शुल्क लगता है वो जमा करें। लेकिन जब बच्चों से बात की गई 9th और 11th और 12th के बच्चों से, तो उन्होंने कहा है कि हम फीस भर चुके हैं और रसीदें उनके पास है, तो इसमें क्या कहना है मैडम आपको? नहीं, फीस बच्चे तो वो तो हर साल ही स्कूल तो विद्यालय तो लेता ही है ना अर्धवार्षिक की, क्योंकि अर्धवार्षिक की कॉपी पेपर, त्रैमासिक की कॉपी पेपर सब, तो वो एक्चुअली अर्धवार्षिक के नाम से फीस नहीं ली जाती है, वो जब एडमिशन होता है तभी पूरी परीक्षा फीस के रूप में शुल्क लिया जाता है, जो कि वार्षिक 80 रुपए के मांग से हर वर्ष जमा होता है, बोर्ड को जमा होता है, और बाकी विद्यालय त्रैमासिक वार्षिक प्री टेस्ट जो भी होते हैं। मैडम, अभी टेंडर तो कोई ऐसा निकला नहीं है जिसमें ये निर्धारित हो कि आप 80 रुपए इसमें फीस ले सकते हो। ग्वालियर में 20 रुपए है वही, और ये टेंडर हमारे यहाँ से विद्यालय से जारी नहीं होते मैडम, ये तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी होते हैं। विद्यालय से तो केवल जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से पत्र जारी होते हैं उनके तरफ में कार्यवाही। शिक्षा अधिकारी की तरफ से एक लेटर जारी हुआ था सारे जिला के सभी विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं, अध्यापक हैं, उनके लिए कि प्रत्येक बच्चे से 80 रुपए अर्धवार्षिक परीक्षा की फीस दी है। 80 रुपए मैम। कब दी है आपने 80 रुपए? आज दी थी मैम। आज दी थी। परीक्षा कब है आपकी? 29 फरवरी। कितने में पढ़ते हो आप? मैम 9th में। 9th में। क्या नाम है आपका? थैंक यू बेटा। मुझे लगता है कि अपने स्तर पे तो इस प्रकार का कोई पत्र जारी नहीं कर सकते, वो नहीं किया होगा, निश्चित तौर से शासन के कोई निर्देश रहे होंगे, और अगर मुझे इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है और मैं पता करूँगा, अगर इस बारे में लगता है कि हाँ उनकी कोई भी कार्रवाई शासन के निर्देशों के अनुक्रम में नहीं है तो निश्चित तौर से उनको दंड मिलेगा, जांच करते हैं इसके।
अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886।